हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड मैं आपको टॉप 300 क्वेश्चंस करवाने वाला था, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे, जिसके मैंने आपको दो पार्ट करवा दिए थे। अगर आपने वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा और मैंने आपको अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है चैनल में, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हो। आज हमारा ये उसका तीसरा पार्ट, ओके। तो इसमें भी हम इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आज का क्या बोल रखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। तो उच्च प्राथमिक, ध्यान रखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कहां पर बोल रखा है उसने, प्राथमिक स्तर पर बोल रखा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बोल रखा है या उससे ऊपर लेवल के। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए आपकी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, संघीय या सहसंघीय भाषा, विदेशी भाषा या एक तथा दोनों। तो सही आंसर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था कि बच्चों को जो उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है वो मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा और संघीय एवं सहसंघीय दोनों भाषाओं के अनुसार पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था। और कई बच्चे बार बार मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलता वीडियो आने का, तो मैं आपको बता दूं आपने प्रेस बेल आइकन जो होगा ना उसको प्रेस नहीं कर रखा होगा, इसलिए नहीं मिल रहा होगा। और नहीं भी मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैंने नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर वीडियो शेयर कर देता हूँ तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो इसमें से आपको एक बताना है कौन सा असत्य है। पहला, भाषा एक अर्जित सामाजिक निधि है। दूसरा, केवल वाक्य भाषा की इकाई है। तीसरा, भाषा संप्रेषण का माध्यम है। और चौथा, भाषा विविध रूप की होती है। तो देखने से पता लग जाता है कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि केवल वाक्य भाषा की इकाई है। वैसे भी कभी भी आपका क्वेश्चन में पूछा जाए केवल किंतु उत्तर में हो, केवल किंतु परंतु, आपका 99.9% आंसर वो हमेशा गलत ही होता है। और उसने गलत ही पूछ रखा है कि कथनों में से कौन सा असत्य है, तो वाक्य ही भाषा की केवल इकाई है ये कहना सही बात नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, प्राथमिक स्तर पर, ध्यान रखिएगा प्राथमिक स्तर पर बोल रखा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से आपका ऐसा कौन सा जो भाषा शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर से कौन सा कथन आपका गलत है। पहला, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना के साथ विद्यालय आते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विद्रोह भाषा की ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तीसरा, सुधार के नाम पर की जाने वाले टिप्पणियां या निरर्थक अभ्यास से बच्चे में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। चौथा, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतंत्र रूप से भाषा में परिमर्ज कर लेंगे। तो देखने से पता लग जाता है ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है वो आपका गलत है कि बच्चे की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा के परिवेश में क्या होगा, विद्रोह भाषा की भाषा सीखने में सहायक होता है। ये आपका गलत कहना है कि बच्चा जब आपस में टकराव होता है, जो उसकी भाषा और विद्यालय में जो चल रही भाषा उसमें जो टकराव होता है तभी बच्चा सीखने में सहायक होता है, ये गलत और असत्य ही सुनना था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की कक्षा में प्रिय हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में आने कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि देखो आने कठिनाइयां हल्का सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। इसका कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये यह है कि हिंदी कक्षा में प्रिय हिंदीतर भाषीय बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ये अनेक था तो हल्का सा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि, क्यों करते हैं, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है, प्रिय हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, वह मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। देखो कोई बच्चा सीख रहा है वो मन लगाकर सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, उसके ऊपर डिपेंड तो आप कह ही नहीं सकते कि वो मन लगाकर नहीं सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था कि प्रिय हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए आपको हिंदी का कठिनाइयाँ उसको सामने प्रस्तुत होंगी। जैसे कोई मद्रासी हो गया या तमिल या तेलुगु का बच्चा हो गया, उसको हिंदी सीखने में क्यों मुश्किल होगी, क्योंकि इसकी मातृभाषा और उसकी हिंदी भाषा में दोनों में क्या है, अंतर है, इसलिए बच्चा क्या करेगा, सीखने में थोड़ी सी उसको कठिनाई आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। तो भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, जहां भाषा गतिशील पर अत्यधिक बल हो, दीवारों पर यानी कि जो आपके स्कूल की दीवारें होती हैं उसकी सूरतियां लिखी हों,
नेक्स्ट है, जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने का और सुनने का अत्यधिक अवसर मिले, जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने। तो देखने से पता लग जाता है कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है, जहाँ बच्चों की उनकी बातें कहने और सुनने का उनको क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवसर मिले। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए प्रवृत्तियों से परिचय कराने का अवसर जुटाने चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर कहने का इसका ये है कि जो आपके विभिन्न कार्य क्षेत्र होते हैं उससे जुड़े जो व्यक्ति होते हैं, जो यानी कि प्रयुक्तियाँ होती हैं, उनसे परिचय कराने के लिए अवसर जुटाने चाहिए, क्योंकि इससे अधिक अंक मिलते हैं, यह सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है, ऐसा पाठ्यचर्य में लिखा है, ऐसा भाषा विवाद कहता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है कि इससे आपके क्या होगा, सामाजिक परिस्थितियों में साधने में आपकी मदद करेगा, आपके साथ समाज के साथ कैसे तालमेल बिठाकर चलना है उसमें आपकी ये मदद करेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, भाषा के व्याकरण के नियम, पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, ये समृद्ध भाषा वातावरण। तो देखने से पता चल जाता है कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो आपका वातावरण होगा, जिस प्रकार का आपका वातावरण होगा उसी प्रकार की आप भाषा सीख सकते हो। तो समृद्ध भाषा वातावरण इसमें मेन इंपॉर्टेंट, आपके भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा, भाषा क्या है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियम वर्ण व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, या नियमों की जानकारी सही निखारती है, यानी कि नियमों की जानकारी सही निखरती है। हल्का से यहाँ पर कोई बात नहीं, देखने से पता लग जाता है कि वो क्या कह रहा है, नियमों की जानकारी वो निखारता है। तो देखने से पता लगता है कि आपका क्या है, ये आपका एक नियम वर्ण व्यवस्था है, या आपका कई बार यहाँ पर नियम बंद व्यवस्था भी कह जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, बस आपके ऑप्शन काफ़ी बार चेंज हो जाते हैं, कई दो एक दो क्वेश्चन मैंने आपके इसमें ऐसे ही इंक्लूड कर रखे हैं, बिल्कुल सेम यही है, बस आपके ऑप्शन अलग अलग कर रखे हैं। ओके, तो भाषा क्या है, आपकी एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक नियम के अनुसार हम उसे सीखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे विद्यालय आने से पहले, यानी कि ये क्वेश्चन तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट का, कि बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं, उनमें अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थक नहीं होते हैं, या भाषा के चारों कोणों को वो या पूर्ण अधिकार रखते हैं, जैसे कि LSRW जो मैंने आपको बताया था उस पर। तो देखने से पता लगता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था, कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ वो आते हैं, यानी कि हिंदी उसका जो मातृभाषा होगी, जो उसकी भाषा होगी, उसके अनुसार उनका उस पर पूरा नियंत्रण होता है कि किस प्रकार से बोलना है और किस प्रकार से उस चीज़ को सुनकर रिप्लाई करना। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जुन, यह देखिए यहाँ पर अर्जन होना चाहिए था, कोई बात नहीं है, जू के नीचे ऊ की मात्रा हटा दीजिएगा। भाषा अर्जुन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, भाषा अर्जुन में विभिन्न संकल्पना में मातृभाषा में बनती है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, भाषा अर्जुन सहज और स्वाभाविक होती है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, और लास्ट आपका सांस्कृतिक विभिन्नताओं में भाषा अर्जुन, यहाँ पर भी अर्जुन लिख दिया लेकिन जू की मात्रा हटा दीजिएगा, अर्जुन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक महत्वपूर्ण कारक है। तो देखने से पता लगता है जो आपके भाषा अनुवाद होता है उसका सहारा लिया जाता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था कि अनुवाद का उसमें सहारा नहीं लिया जाता, यही सही आपका कथन नहीं है, बाकी सारे के सारे आपके सही है। तो यहां पर क्या बोल रखा है, सही नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं है, तो आपकी भाषा जो है आपके परिवेश में आसपास में बिखरी हुई मिलती है, यह कथन आपका इसमें से किस पर आपका प्रभावित नहीं होता, विज्ञापन, साइन बोर्ड, भाषा प्रयोगशाला या अखबार। तो देखने से पता लगता है जो भाषा प्रयोगशाला होती है वो केवल प्रयोगशाला में ही आपको मिलेगा, लेकिन विज्ञापन हो गया, साइन बोर्ड हो गया या अखबार हो गया, ये रोड पर, जगह पर, परिवेश में, हर जगह आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, फिर आपको बोल रखा है कौन सा आपका उचित नहीं है वो आपको चुनना है। तो क्या बोल रखा है, पहला देखो क्या, भाषा कठोरता से, यहां देखो व्याकरण बोल रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन व्याकरण ही होना चाहिए था, कोई बात नहीं, बात दोनों का सेम ही है, कि भाषा कठोरता से व्याकरण के नियमों का अनुसरण करती है, भाषा एक दूसरे के साथ साथ रहने में फलती फूलती है, भाषा की एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत
मजबूत होती है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रखा है कि गलत है, कौन सा क्वेश्चन गलत है वो चुनना है आपको। तो देखने से पता लगता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है कि भाषा कठोरता से व्याकरण के नियमों का अनुसरण करती है, यानी कि पूरा का पूरा। देखो जैसे कि आप कोई बच्चा है 5 साल का, वो बच्चा जब बोलता है, सुनता है, उसका रिप्लाई करता है, तो उसको व्याकरण का ज्ञान थोड़ी होता है। और यहाँ पर उसने क्या बोल रखा है, कठोरता से व्याकरण के नियमों का अनुसरण करती है। उसको व्याकरण का तो कुछ पता ही नहीं है बस, लेकिन वो बोलता है, समझता है सारी चीजों को। तो ये कहना बिल्कुल सही बात नहीं है कि उसको व्याकरण के नियमों का अनुसरण वो करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो कौन सा कथन उचित नहीं है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश से प्राप्त भाषी आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषा के नियम बनाए जाते हैं, भाषा अर्जन में भाषा के परिवेश महत्वपूर्ण होता है, इनमें सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसत्ता किया जाता है। देखो इसमें से क्या बोल रखा है कि कौन सा उचित कथन नहीं है। तो देखने से पता लग जाता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं। देखो जब बच्चा सीखता है, समझता है, उसमें उसको नियम की क्या बात है, उसको नियम की कुछ थोड़ी पता होता है, लेकिन वो क्या करता है, हर किसी ना किसी चीज़ को सीखता रहता है, समझता रहता है, वो ग्रैप करता है सारी चीज़ों को। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि वो नियमों को सीख रहा है, बस वो बोलना सीखता है, मतलब परिवेश में। सेकंड ऑप्शन देखो, परिवेश में प्राप्त भाषी आंकड़ों के आधार पर सहज रूप में भाषा के नियम बना जाते हैं, यानी कि जैसे आपका सामने परिवेश होगा उसी के तरीके से अनुसार उसमें चेंजेबल करके अपने अपने नियम बना लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि आपका भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये उचित कथन नहीं था आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा की शिक्षा या भाषा के विविध रूपों का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर है, भाषा अगर आपको सीखनी है तो उसके विभिन्न रूपों को आपका क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा स्वयं में एक नियम, नियम क्या है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एक मात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये एक जटिल चुनौती है। तो इनमें से आपका क्या है, क्या कह सकते हो आप इसमें कि भाषा स्वयं में क्या है अपना। देखो हर जगह अपने अलग अलग इन्होंने विचार कर रखे थे, अपने अलग अलग बातें कह रखी थी, लेकिन मैंने आपको जैसे कि बोला था, एक क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट करके ऑप्शन चेंज कर 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 दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोल दिया कि भाषा स्वयं में एक नियम, ऑप्शन देखो सारे चेंज हो गए ना, लेकिन आंसर आपका वही होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा क्या एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये धा के नीचे धा की मात्रा आएगी, कोई बात नहीं, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आपका ये ऑप्शन जरूर मिलेगा, बाकी ऑप्शन आपको चेंज कर दिए जाएंगे, कई बार क्वेश्चन भी चेंज कर दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि भाषा, और यहां पर क्या बोल रखा है, भाषा स्वयं में एक नियम। ओके, तो यही कुछ क्वेश्चंस थे आपके इंपॉर्टेंट, जो कि आने वाले आपके टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे। ओके, तो दोस्तों ये सीरीज आपका ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, भले रिप्लाई करूं या ना करूं, लेकिन मैं आपके जो कमेंट होते हैं वो पूरे के पूरे रीड आउट करता हूं, जिसके होते हैं मैं उसका रिप्लाई कर देता हूं, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं वहाँ पर जो भी आपका PDF वगैरह होता है या कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती है मैं वहाँ पर आपको शेयर कर देता हूँ। नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपको वहाँ पर वीडियोज़ आप देख सकते हो। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।